लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। आचार्य जी आप कहती हैं शाम को लाइट खाना चाहिए, तो हमारा एक ऑनलाइन ऑफलाइन वेट लॉस प्रोग्राम चलता है। और एक बार एक साधिका ने तो पूछ ही लिया कि गुरु जी लाइट खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए। लाइट का मतलब क्या? किसी के लिए तो एक पराठा भी लाइट हो सकता है, किसी के लिए दाल चावल भी लाइट हो सकता है। तो एक्चुअल में इस लाइट का मतलब क्या है, एंड हाउ डू वी नो कि ये लाइट है? तो हमने बताया आप खिचड़ी का सेवन कीजिए, आप सूप्स का सेवन कीजिए। एक डिश होती है जिसका नाम है चाप चाय, आप जानते हैं हम, क्योंकि एज अ डिप्लोमैट भी हमने देश की सेवा की है और अपने योग शिविरों के लिए भी बहुत सारे देशों में रहे हैं, बहुत सारे कल्चर्स को जाना है, पढ़ा है, समझा है, वहाँ के फूड को, वहाँ के बिहेवियर को, वहाँ के संस्कारों को। तो एक डिश होती है चाप चाय, जो बहुत हेल्दी डिश है, और उसी का थोड़ा सा इंडियन वर्जन आज हम बनाते हैं। एक ही तरीके से आप दो चीज़ें बना सकते हैं, मतलब एक साथ बना रहे हैं बट आउटकम दो चीज़ों का निकलेगा, चाप चाय का इंडियन वर्जन और साथ में एक बहुत ही हेल्दी क्लियर सूप। तो अगर आपको प्योरली क्लियर सूप पीना है तो आप उसको सूप के रूप में पी लीजिए, थोड़ा सा और कुछ ऐड करके वो चाप चाय बन जाएगा, जिसे आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, या राइस खाने का मन नहीं है तो अपने आप में वो एक पूरा का पूरा डिश है। तो एक ही रेसिपी से दो डिशेज, यानी एक पंत दो काज, तो ये आज हम सीखते हैं। सीधा सीधा रसोई में चलते हैं, किचन नहीं, रसोई, जहाँ से रस प्राप्त होता है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, और समझते हैं कि ये अत्यंत टेस्टी सूप या चाप चाय हमें कैसे बनाना है, जो बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है, आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। और हाँ, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, तो सनलाइट लेना ना भूलें। सूर्य देव अगर आप पर कृपा बरसा रहे हैं और आप कृपा से विमुख रहें तो अस्वस्थ रहेंगे, तो हमारी तरह सनलाइट लीजिए और देखिए कि ये डिश हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सूप बनाते हैं। पैन को गरम कर लीजिए और उसमें हमने थोड़ा सा डाला है ऑलिव ऑयल। अब ये ऑयल अच्छे से जब गरम हो जाए, उसके बाद ये हमारी रंग बिरंगी कैप्सिकम है और ये है बेबी कॉर्न। तो पहले हमने बेबी कॉर्न डाला है, इसको थोड़ी देर तक पका लेते हैं क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, ये हार्ड होता है। तो पहले हम बेबी कॉर्न को पकाते हैं अच्छे से, और जब बेबी कॉर्न को थोड़ी देर कुक कर लें तब हम इसमें हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे, विच इज़ ये बीन्स और ब्रोकली, क्योंकि इसको भी पकने में समय लगता है। तो पहले हमने बेबी कॉर्न डाला, फिर बीन्स डाले और फिर ब्रोकली डाली। अब इसको थोड़ी देर तक हम कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाए, अच्छे से आपको लगे कि अब रेडी है, तो इसमें पानी डाल दिया और फिर नमक डाल दिया। अब इसको ढक करके थोड़ी देर पकने देते हैं। जब आपको लगे ये पक गया है और हल्का हल्का गल गया है, तब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यानी पहले हमने इसमें डाला हमारा स्वीट कॉर्न थोड़ा सा, इसको भी चला दीजिए अच्छे से, और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हमारे कैप्सिकम जो हमने शुरू में काट करके रखे थे। कैप्सिकम अब इसलिए डाले हैं क्योंकि कैप्सिकम को कुक होने में बहुत टाइम नहीं लगता, इसको तो हम सलाद की तरह रॉ भी खा लेते हैं, तो इसलिए पहले सब चीज़ों को कुक हो जाने दीजिए, उसके बाद इसको डाल दिया है। अब हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे। आप नींबू के रस की जगह विनेगर भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ नींबू के रस का प्रयोग किया है। और फिर इसको ढक दीजिए, और ये इस तरह से, अगर आप जो ऑप्शन ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो विनेगर का है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप डाल लीजिए। अब ये हमारा पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है सूप, इसको आप खा लीजिए। नींबू का रस डालने के बाद इसे बहुत देर हमें पकाना नहीं है, आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार चीज़ें डाल सकते हैं। अब ये तो आपका सूप हो गया, इसी को अगर हम चाप चाय इंडियन वर्जन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने इसमें एक चम्मच एरो रूट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके डाल दिया है, और थोड़ा सा सोय सॉस डाल दिया है, और इसमें कुछ बेसिल के पत्तों का पाउडर। अभी आप कंसिस्टेंसी देखिए, थोड़ा सा थिक हो गया, और ये हमारा चाप चाय रेडी हो गया है।